नमस्कार, मैं फिरोजली, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं बरेली के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय की, जहां से लगातार लॉकडाउन में गरीब ज़रूरतमंद लोगों को सहायता दी जा रही है। यहां के जिला अध्यक्ष महोदय डॉक्टर जयपाल जी के द्वारा लगातार गरीबों को सहायता, ज़रूरतमंदों को सहायता दी जा रही है। एक परिवार को और इन्होंने सहायता दी, आई दिखाते हैं ये खबर बरेली से। देखिए, ये गांव रजपुरा है, यहाँ पर बीवीएफ में काम करते हैं अशरफ। मैं उनके घर पहुंच चुका हूँ, उनके अभी घर की माली हालत को देख करके हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी आए थे, तो जानकारी लेना चाहूंगा कि उस तरह से कैसे क्या है उनके घर को मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये उनका घर है और अब मैं चलता हूँ इनके परिवार से जानकारी लेने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? जी अशरफ। अशरफ, आप क्या करते हैं? मैं बीबीएफ में 5 साल से हूँ। जी, तो बताइए क्या हुआ था अभी आपका, आपके पिताजी का क्या हुआ था? अभी 18 तारीख को मेरे पिताजी का इंतकाल हो चुका था जी। अभी हमारे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर जयपाल सिंह जो हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें जैसे ही पता चला। किसके जिला अध्यक्ष हैं? किसी पार्टी से हैं वो? बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन्हें जैसे ही पता चला, लॉकडाउन का पालन करते हुए वो जैसे ही मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे 60 किलो आटा और 1800 रुपए की नगद राशि दी। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और जब तक मैं रहूंगा तब तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता रहूंगा। अच्छा, तो वो आपके घर पर आए थे और आपके लिए 60 किलो आटा और 1800 रुपए की तुरंत नगद राशि दे करके गए थे। अच्छा, तो अब मैं इनका घर दिखाना चाहूंगा। ये आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद अली। आप आसिफ के कौन है? अशरफ के भाई। अशरफ के भाई हैं, ठीक है। ये है इनका घर यहाँ पर, और ये सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं इनसे जानकारी लेने के लिए। आपका क्या नाम है भाई? कासिम। कासिम, आप अशरफ के कौन है? भाई। भाई, अभी आपके घर पर कोई आए थे जिलाध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी के या किसी पार्टी के? कोई आपको किसी और पार्टी से कोई सहायता मिली? नहीं नहीं नहीं, किसी पार्टी के माध्यम से आपको कोई शासन के द्वारा कोई सहायता मिली? नहीं नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सहायता से सहायता मिली थी हमें। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आपको कुछ सहायता मिली? सहायता मिली थी। ठीक है, तो ये है इनका घर, देखिए ये सब इनका टूटा फूटा झोपड़ी है। और इस तरह से अब मैं इनके घर की कुछ महिलाओं से जानकारी लेना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है? सुभ्रा। थोड़ा जोर से बोलिए। सुभ्रा। सुभ्रा, बताइए क्या हुआ था? जो एक्सपायर हुए थे वो कौन थे आपके? पिता। पिताजी थे आपके? तो कुछ आपको किसी के माध्यम से कुछ हेल्प मिली? हाँ हाँ। किसने की हेल्प आपकी? बहुजन पार्टी ने। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के? हाँ हाँ। अच्छा, वो क्या हेल्प की थी आपकी उन्होंने? उन्होंने आटा दिया था और नगद पैसे दिए थे 1800 रुपए। 1800 रुपए दिए थे, ठीक है। तो ये है देखिए उनके घर की। आपका क्या नाम है? भूरी। आप कौन है? अशरफ की माँ। ये अशरफ की माँ है, इनके ही पति का इंतकाल हो गया था अभी 18 तारीख को। तो कौन आया था आपके घर पर? जिलाध्यक्ष जी थे कुछ? हाँ, बहुजन समाज पार्टी के। हाँ, जिलाध्यक्ष। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी, तो ये इन्हें नाम नहीं मालूम है, बट इनके परिवार के लोगों से पता चला है कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी आए थे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए और इनके लिए कुछ हेल्प करवाई गई थी। तो ये है इनका घर। और कुछ आपके लिए खाने की भी व्यवस्था करवाई जा रही है? अच्छा अच्छा, जब से आपका शौहर का इंतकाल हुआ है तब से कुछ खाने के पैकेट भी आपके घर पर पहुंचाए? हाँ, जाते हैं? हाँ, पहुंचाए। लगातार आ रहे हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, लगातार आ रहे हैं। आपके पूरे घर के खाने के लिए? हाँ, खाने के पैकेट आते हैं। हाँ, तो ये थी अभी देखिए अशरफ की माता जी, जिन्होंने बताया कि इनके घर पर जब से इनके शौहर का इंतकाल हुआ है तब से इनके घर पर डेली खाने के पैकेट पूरे फैमिली के लिए आते हैं। और ये पूरा इनका घर की बहुत ही माली हालत है, इसी को देखते हुए बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष के माध्यम से इनके लिए सहायता राशि और आटा की व्यवस्था की गई थी। तो ये अभी आप सब सुन रहे थे अशरफ, जो कि बीबीएफ में पिछले 5 साल से काम करते हैं। बने रहिए आप केपी सिंह आजाद के साथ। थैंक यू।